चैनल, दिस इज अनिंदिता एंड यू आर वॉचिंग मेक इट अप। सो आज का वीडियो मैं एक आई शेडो लुक क्रिएट करूंगी। मैं ऑलरेडी अपना बेस कर चुकी हूँ और मैं बेस जो की हूँ वो एक स्पेशल टाइप का ब्रश की मदद से मैं की हूँ, नॉट स्पेशल टाइप का। मैं फ्लिपकार्ट से एक ब्रश सेट मंगवाई थी, उसके मदद से मैं की हूँ। उसका रिव्यू वीडियो भी मैं कर चुकी हूँ, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी मैं करूंगी अपना आई शेडो लुक और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं एक रोज गोल्ड आई शेडो लुक क्रिएट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी विंटर के टाइम में अगर आपको कोई पार्टी में जाना है या क्रिसमस ओकेशन में जाना है, यू नो न्यू ईयर पार्टी काइंड ऑफ थिंग, तो रोज गोल्ड लुक विल बी बॉम्ब। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना करूं। तो शुरू करते हैं मेरा आई शेडो लुक। और शुरू होने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ये वीडियो। फर्स्टली मैं क्या अप्लाई करूँगी, अपने जो आई लीड है उसको मैं प्राइम कर लूँगी। मेरा जो अपना पूरा फेस है कर चुकी हूँ, तो आई लीड को प्राइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आई शेडो स्टिक नहीं होते हैं उसके बिना। तो कर लेती हूँ मैं ये NYX का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और अपने आई लिड में अच्छे से पहले प्लेस कर दे रही हूँ, देन आई विल ब्लेंड दिस आउट। मैं ऑलरेडी अपना ब्राउ भी फिल कर चुकी हूँ। और इसको सेट कर लूंगी मैं पाउडर के मदद से। ओके, इसके लिए मैं लॉरियल मैक मैजिक यूज कर रही हूँ। नाउ मैं आई शेडो शुरू करती हूँ और उसके लिए मैं हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। उसके से मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ शाई, और उसको मैं ऐसा एक टाइप का ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, मतलब आई मीन आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अप्लाई कर लेती हूँ पहले। एंड एक ट्रांजिशन दे रही हूँ अपने आई को। अभी मैं यूज करूंगी बॉसी, दिस वन इट्स अ वाइन काइंड ऑफ कलर, और उसको मैं यूज करूंगी टू यू नो डीपन अप माय क्रीज अ लिटिल बिट। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा वार्म्थ डेप्थ आया है मेरे आई लिड के ऊपर। अब मैं यूज करूंगी ये कोको, ठीक है, और उसको थोड़ा सा छोटा ऐसा काइंड ऑफ ब्रश के मदद से प्लेस करूंगी जस्ट जहां जहां मैं वो दो कलर यूज की हूँ वहां पे, थोड़ा और डीप करने के लिए मेरा जो सॉकेट है आई का वो, एंड इसको ब्लेंड कर देंगे। ताकि कोई भी हार्श लाइन एजेस कुछ ना रहे। आप चाहते तो एक क्लीन ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए ताकि कलर थोड़ा डिफ्यूज हो जाए। एंड लाइक दिस देख सकते हैं बहुत अच्छा सा एक डेप्थ क्रिएट हुआ है मेरे आई में। ओके, अब मैं अप्लाई करूंगी मेरा जो रोज गोल्ड शेड है वो, और उसके लिए मैं यूज करूंगी फ्लिंग ये। और मैं आप चाहते तो आप कट क्रीज भी यूज कर सकते, लेकिन ये कलर बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है तो मैं पहले ब्रश की मदद से उठा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि इसका पे ऑफ कैसा है। आई थिंक ब्रश की मदद से उतना नहीं आ रहा है, मैं उंगली ही यूज कर लेती हूँ, बेटर होगा। यस, नाउ द इंटेंसिटी इज कमिंग। ओके, सेम ऑन द अदर आई, बहुत क्रीमी है ये आई शेडो। तो नाउ मैं क्या करूंगी, ये यूज करूंगी, ये है एंजेलिक, थोड़ा सा लाइट है ये कलर, यू नो मिक्स द टू कलर टुगेदर ताकि ये एक बेस बन जाए मेरे नेक्स्ट आई शेडो लुक के लिए।
और इसको थोड़ा सा जो ड्रैग कर दूंगी अपर पोर्शन में, इससे आई थोड़ा सा बिगर दिखता है, थोड़ा सा ड्रैग करने से ऊपर में, सेम ऑन द अदर आई। नाउ मैं क्या करूंगी, ये वाला शेड लूंगी, ये है दुबई, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर लूंगी और मिक्स कर दूंगी वो पहले वाले कलर के साथ। That's all. बहुत ही कम कम ले रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है ये कलर और एकदम से बहुत ज्यादा पड़ गया ना तो पूरा आई लुक जो है रुइन हो सकता है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं जो भी बेस है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी जो स्टार ऑफ द शो है वो मैं यूज करूंगी, और उसके लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई लाइनर, नॉट लिक्विड आई लाइनर, लिक्विड आई शेडो, और ये है इन द शेड 05 रोज गोल्ड रेट्रो। पहले अप्लाई करके फिर मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी बिकॉज इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वो लाइन एकदम फॉलो करके काइंड ऑफ लाइक कट क्रीज, आप कट क्रीज भी कर सकते हैं लेकिन मैं कट क्रीज नहीं की, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हुआ जो आई लुक है, वो थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम दीजिए नहीं तो ये क्रीजिंग आ जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है ना इसीलिए। तो मेरा आई लुक है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी मैं क्या करूँगी, अपने जो लोअर आई है उसमें मैं अप्लाई कर लेती हूँ ये कोको एंड ये ब्लैक दोनों मिक्स करके। आप काजल भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं काजल यूज नहीं कर रही हूँ आज। एंड मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट मेरे मिड ऑफ द आई तक मैं रख रही हूँ, पूरे आई के एकदम इनर कॉर्नर तक मैं नहीं रख रही हूँ ये लुक को, आई शेडो को, और थोड़ा सा इन्हें ड्रैग कर दे रही हूँ लाइक दिस। नाउ मैं क्या करूँगी, आईलाइनर थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। तो आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर। अब चाहते तो आप एक बड़ा सा विंग भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाता है पार्टी मेकअप लुक में। थोड़ा सा मैं अप्लाई की, आप देख सकते हैं उतना ज्यादा मोटा तरीके से नहीं, जस्ट टू कवर माई अपर वाटर लाइन। एंड मैं अभी क्या करूंगी, मस्कारा अप्लाई कर लूंगी, और मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा जो मैं हमेशा यूज करती रहती हूँ। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे ही स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा फॉल्स आई लैशेज यूज कर लूँ, क्योंकि ये ड्रामेटिक लुक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ फॉल्स आई लैशेज मैं यूज कर लेती हूँ। ओके, फॉल्स आई लैशेज पहन के मैं आती हूँ। तो मैंने फॉल्स आई लैशेज लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ और लुक को कंप्लीट कर लेती हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं दो लिपस्टिक ये यूज करूंगी जो कि मैं करती रहती हूँ, आप देखे हैं। तो मैं यूज करूंगी, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट, बट मुझे लग रहा है सही होगा, ये है ग्रेज रेस शुगर का 11। ओके, पहले ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ। इट्स अ मरून काइंड ऑफ शेड, मरूनिश। और अभी मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर ये एक्चुअली आप एक टेराकोटा काइंड ऑफ शेड है, ये है मिस क्लेयर का 32। तो ये हुआ मेरा फाइनल लुक।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ आप अपने लिए भी एक लुक क्रिएट कीजिए एंड एज वेल एज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलिए. एंड ये वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करके एक लाइक पहुंचा दीजिएगा एंड ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप नोटिफाइड होंगे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तब. तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी वेरी ब्यूटिफुल. बाय.